हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ तनु। फ्रेंड, जैसे ही मौसम बदलता है हमारे बालों को पता चल जाता है, वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। इस टाइम मानसून चल रहा है तो मानसून में और भी ज़्यादा समस्या जो है बढ़ जाती है हेयर फॉल की। आप अपने बालों को कितनी भी केयर कर लें, लेकिन जैसे ही मानसून आता है तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत हेयर फॉल होने ही लगता है। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से मानसून में अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो किस तरीके से रोक सकते हैं। अगर आपका पहले से ही हेयर फॉल हो रहा है और मानसून आते ही आपको और भी ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा है, तो ये काफ़ी लोगों को चिंता में डाल देता है कि इतने बाल क्यों गिर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो गंजे हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मानसून में क्या होता है, एक तो नमी ज़्यादा होती है, उमस होती है, जिसकी वजह से पसीना आता है और बालों का झड़ना जो है शुरू हो जाता है, बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरने लगते हैं। मेरा भी थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन मैं उसको ठीक कर लेती हूँ। मैं कौन सी रेमेडी यूज़ करती हूँ जब मेरा मानसून में हेयर फॉल होता है, तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको सिर्फ वीक में एक बार लगाना है। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक बार लगाएं तो आपके एक बार में ही हेयर फॉल जो है वो बंद हो जाए। हो सकता है आपको दो या तीन बार यूज़ करना पड़े। डिपेंड करता है कि वो रेमेडी आपको कितने फ़ायदा पहुंचा रही है और कितना नुकसान पहुंचा रही है। नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, लेकिन हाँ, अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं पहुंचाएगी तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं पहुँचाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों का झड़ना रुक जाए और आपके बाल जो है हेल्दी बने रहें, तो आप आज का वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसके इस्तेमाल से आपके बाल शाइन भी करेंगे और आपके बाल सॉफ्ट भी रहेंगे और आपके बालों का जो झड़ना है वो धीरे धीरे कम भी हो जाएगा। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूँगी। मैं आपको जल्दी से फटाफट बता देती हूँ कि उस रेमेडी को किस तरीके से तैयार करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है। वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने आईडी को नीचे मेंशन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले लेना है दही। आप दही खट्टा मीठा जैसा आपके घर अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। मीठे का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें चीनी डाल लें, आपको सादा ही दही लेना है। घर का दही हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, वरना आप मार्केट वाला दही ले सकते हैं। मैंने मार्केट वाला दही लिया है, एक जो 10 रुपये का पैकेट आता है वही पैकेट लिया है और ये पूरा मैंने बाउल में निकाल लिया है। फ्रेंड्स, दही बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, बालों को सॉफ्ट भी बनाता है, बालों को घना बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप कोई ज़्यादा चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आप वीक में एक बार दही का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो आपको ये दही लेना है। मैंने अपने पूरे बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ही लिया है। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप 4 से 5 चम्मच दही ले सकते हैं और वो आपके लिए काफ़ी होगा। अगर आपके बाल लंबे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा दही की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस। मैंने यहाँ पर 2 लेमन लिए हैं, उनको हाफ कट कर लिया है और उसका रस इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब कुछ लोग बोलेंगे कि नींबू के लगाने से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, नींबू नहीं लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्ट स्कैल्प में अप्लाई करते हैं लेमन के रस को तो वो आपको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ में ऐड करके लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि लेमन के इस्तेमाल से बाल सफ़ेद होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो आप इस ये जो झूठी बात है इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। मैं भी यूज़ करती हूँ लेमन के जूस का, तो मुझे तो ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया है कि बालों को सफ़ेद कर रहा हो या फिर नुकसान पहुँचा रहा हो, तो ऐसा नहीं है। तो आप इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर लेमन लिया है, ये डैंड्रफ अगर आपका है तो उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और स्मेल जो आती है वो भी आपकी धीरे धीरे जो है वो गायब हो जाती है लेमन के रस के इस्तेमाल से। और उसके बाद में इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। आप यहाँ पर कोई भी अपना फेवरेट ऑयल जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। अगर आप दही कम ले रहे हैं तो आप उसी हिसाब से ऑयल ऐड करिए, 1 से 2 चम्मच। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 3 चम्मच जो है ऑलिव ऑयल लिया है।
इसके बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। मिक्स हो जाने के बाद ये आपस में अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, उसके बाद ही मैं अपने बालों में अप्लाई करूंगी। तो चलिए अब एप्लीकेशन देख लेते हैं किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन करने से पहले आप अपने बालों को कंघा ज़रूर करें। कॉम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बाल उलझे हुए रहते हैं और आपका ऑलरेडी हेयर फॉल हो रहा है तो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इसलिए आप अच्छे से कॉम कर लीजिए। आपके जितने भी बाल निकलने होंगे वो निकल जाएंगे और आराम से आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो तेल हो या फिर हेयर पैक हो। अब इसको आप अपने पूरे स्कैल्प में जिस तरीके से मैं ये लगा रही हूँ आप उस तरीके से लगा लीजिए। आप फिंगर की मदद से लगा सकते हैं या फिर जो एप्लीकेशन ब्रश आता है आप उसकी मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने पूरे स्कैल्प में जो है अप्लाई कर लीजिए। और उसके बाद मेरे बाल लंबे हैं तो मैं बैठ के अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आपसे मिलती हूँ पूरे बालों में लगाने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लिया है। इसको मैं 30 से 45 मिनट अपने बालों में रखूंगी और उसके बाद जो है माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लूँगी। तो आपको भी 30 से 45 मिनट रखना है। अगर आप ज़्यादा रख सकते हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 30 से 45 मिनट रखना है। अगर आप ज़्यादा रखेंगी तो आपके बालों को नुकसान पहुँचाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप आराम से रख सकते हैं, एक घंटे भी रख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको माइंड शैम्पू से ही हेयर वॉश करना है और आपको इस रेमेडी को वीक में एक बार ज़रूर अप्लाई करना है। आप संडे टू संडे इसका यूज़ कर लीजिए और आपके जो बालों का झड़ना है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो आप इस रेमेडी का रेगुलर इस्तेमाल कर लीजिए। आप एक महीने में 4 बार यूज़ कर लीजिए, आप खुद देखेंगे कि आपके बालों का झड़ना कितने हद तक कम हो गया है और आपके बालों में शाइन भी ऐड होगी, आपके बाल जो हैं सॉफ्ट बने रहेंगे। तो आपको सिर्फ ये बाल झड़ने, जो आपके बाल झड़ रहे हैं उसको ही ना रोकेगा बल्कि आपके बालों को सिल्की सॉफ्ट शाइनी मैनेजुअल बनाने में भी आपकी हेल्प करेगा। हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ऑयल नहीं लगाते हैं तो आप इसमें ऑयल मिक्स करके लगा सकते हैं, जिस तरीके से मैंने लगाया है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। लेकिन वीक में आपको एक बार इस रेमेडी का ज़रूर इस्तेमाल करना है। मानसून के लिए यह हेयर पैक बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं मानसून में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें जो आपने अभी तक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।